हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल कुक विद अफसाना। और आप सभी आज मेरे किचन में। फ्रेंड्स, आज की मेरी रेसिपी है मटर पनीर। रेसिपी पसंद आए तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। साथ में बेल आइकन बटन होगा, उसे जरूर प्रेस कर लीजिएगा ताकि आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। तो चलिए फ्रेंड्स, बिना देर किए जल्दी से स्टार्ट करते हैं आज की रेसिपी। मटर पनीर बनाने के लिए यहाँ पे मैंने लिया है एक पैन। इसमें मैं डाल रही हूँ 2 चम्मच रिफाइंड ऑयल। ऑयल को हम गर्म होने देंगे। ऑयल हमारा यहाँ पे गरम हो गया है। अब मैं इसमें डालूंगी 8 से 10 काजू, 3 से 4 हरी मिर्च और इसको थोड़ा सा भूनेंगे। काजू को भूनने के बाद अब मैं इसमें डालूंगी 250 ग्राम टमाटर, जिसको मैंने ऐसे कट कर लिया है, और इसे भी हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अब मैं इसमें डालूंगी सौंफ का पाउडर। सौंफ को जरा सा भून के उसका मैंने पाउडर बना लिया है, तो 1 चम्मच हम यहाँ पे सौंफ डालेंगे और उसी के साथ हम आधी छोटी चम्मच हल्दी पाउडर डालेंगे। अब मैं इसमें डालूंगी आधी छोटी चम्मच नमक और अच्छे से मिक्स करेंगे। मिक्स करने के बाद हम इसे धीमी आंच में ढक करके 5 मिनट के लिए पकने के लिए छोड़ देंगे ताकि टमाटर अच्छे से गल जाए। जब तक हमारा टमाटर पक रहा है तब तक हम लहसुन, अदरक और 2 प्याज को पीस करके इसका पेस्ट बना लेंगे। तो ये देखिए, यहाँ पे हमारा टमाटर अच्छे से पक गया है। अब हम गैस को ऑफ कर देंगे और इसे हल्का सा ठंडा करके उसके बाद इसको पीस करके इसका पेस्ट बना लेंगे। सब्जी बनाने के लिए अब मैंने यहाँ पे लिया एक कढ़ाई। उसमें हम डालेंगे 3 से 4 चम्मच रिफाइंड ऑयल। आप चाहे तो बटर या घी का भी यूज कर सकते हैं। अब मैं इसमें डालूंगी 2 लौंग, 1 इलायची, 1 दालचीनी का टुकड़ा, 2 तेज पत्ते। एक चम्मच जीरा। ये सारी चीजों को डाल के हम अच्छे से मिक्स करेंगे। अब हमने जो ये प्याज का पेस्ट बनाया था इसे डाल देंगे। इसे भी हम अच्छे से मिक्स करेंगे। अब हम इसमें टेस्ट के हिसाब से नमक डालेंगे। नमक डालने के बाद हम इसे अच्छे से मिक्स करेंगे और उसके बाद धीमी आंच में 5 से 7 मिनट के लिए ढक करके छोड़ देंगे प्याज को अच्छे से भुनने के लिए। जब तक हमारा प्याज भुन रहा है तब तक यहाँ पे मैं मटर को बॉईल कर लूंगी। स्टार्टिंग के दिनों में मटर बहुत ही सॉफ्ट आती है, जिसके लिए हमें मटर को बॉईल करने की जरूरत नहीं है। जैसे जैसे मटर पुरानी होने लगती है, मटर थोड़ी टाइट हो जाती है, तो उसे सब्जियों में डालने से पहले एक बार बॉईल कर ले या फिर हल्के से तेल में उसे फ्राई कर ले। 2 से 3 मिनट लगेगा मटर को बॉईल करने में। तो यहाँ पे हमारा मटर बॉईल हो गया है, हम गैस को ऑफ कर देंगे। तो यहाँ पे 5 से 7 मिनट हो गया है। आप देख सकते हैं प्याज हमारा अच्छे से भुन गया है। अब जो हमने अपना टमाटर का पेस्ट बनाया था उसे डाल देंगे और मिक्स कर लेंगे अच्छे से। अब मैं इसमें ऐड करूंगी आधी छोटी चम्मच लाल मिर्च पाउडर। मिर्च को आप कम या ज्यादा कर सकते हैं। 1 छोटी चम्मच गरम मसाला पाउडर, 1 छोटी चम्मच धनिया पाउडर, आधी छोटी चम्मच जीरा पाउडर। ये सारी चीजें डालने के बाद हम मसाले को अच्छे से मिक्स कर लेंगे। करीब 15 मिनट के लिए हम इसे धीमी आंच पर ढक करके गैस पे रख देंगे पकने के लिए, ताकि मसाला हमारा अच्छे से भुन जाए।
तो ये देखिए 15 मिनट हो गया है, मसाला हमारा अच्छे से भुन गया है। मैं इसमें ऐड कर रही हूँ आधी छोटी चम्मच कसूरी मेथी। इसमें हम कसूरी मेथी ऐड करके अच्छे से मसाले को हम मिक्स करेंगे। अब मैं इसमें डाल दूंगी मटर को। मटर हमारा पहले से बॉयल है इसलिए इसे बहुत ज़्यादा पकाने की ज़रूरत नहीं है। उसके बाद मैं इसमें डालूंगी 2 कप पानी। पानी डालने के बाद मैं इसे तेज आंच में सिर्फ 2 मिनट के लिए इसे हम ढक करके पकने के लिए छोड़ देंगे, बहुत ज्यादा पकाने की जरूरत नहीं है। तो ये देखिए 2 मिनट हो गया है, मटर और मसाला हमारा अच्छे से मिक्स हो चुका है। तो अब मैं इसमें पनीर डालूंगी, 150 ग्राम ये पनीर है। पनीर डालने के साथ ही हम इसमें क्रीम डाल देंगे। 2 से 3 चम्मच हमने इसमें क्रीम डाला है, ये होममेड क्रीम है। अगर आपको क्रीम की रेसिपी चाहिए होगी तो मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा। पनीर की किसी भी सब्जी में एक चीज ध्यान रखिएगा, पनीर डालने के बाद बहुत ज्यादा उसे ना पकाएं और साथ ही उसे बहुत तेजी से ना चलाएं, बहुत हल्के हाथ से चलाएं ताकि पनीर टूट ना जाए। ढक करके इसे मैं सिर्फ 2 मिनट के लिए कुक करूंगी। तो ये देखिए यहाँ पे हमारी सब्जी रेडी हो गई है। अब मैं इसमें थोड़ा सा बारीक कटा हुआ धनिया डाल दूंगी और अच्छे से मिक्स करेंगे। तो फ्रेंड्स यहाँ पे हमारी सब्जी एकदम रेडी है। चलिए अब मैं इसे आपको सर्व करके दिखाती हूँ। तो आप सबको कैसी लगी मेरी मटर पनीर की रेसिपी? अगर पसंद आई हो तो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। लाइक शेयर करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। तो मिलते हैं हम लोग नई रेसिपी के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।